और आइए अब आगे का एजेंडा में रुक करते हैं उस बड़ी सियासी खबर का जिसका आपको इंतजार है। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर राहुल गांधी जो इन दिनों विदेश में हैं, लंदन में ही बड़ा बयान दे रहे हैं। राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरीके से 2004 में बीजेपी ने माहौल बहुत बनाया था शाइनिंग इंडिया का, लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ था, बीजेपी हार गई थी, बिल्कुल इसी तरीके से इस बार भी होने वाला है। इस बार मतलब 2024, तो कहीं ना कहीं 2024 को लेकर राहुल गांधी बड़े उलटफेर का जिक्र कर रहे हैं। ब्रिटिश सांसदों के सामने राहुल का बड़ा दावा, 2024 में होने वाला है बड़ा उलटफेर। This party is an idea. It's not just a political party. It's a way of thinking, and it's been a very, very successful idea. We ruled the country for many, many more years than the BJP have. And this idea that the BJP is unbeatable, this is a narrative that's in the media. This is the same narrative that was in the media in 2004, right? When we were saying India shining and everybody was jumping up and down. And then when the results came, there was, you know, the BJP was in a state of shock. तो ये राहुल गांधी को आप सुन रहे थे लंदन में जो उन्होंने बयान दिया। मुझे लगता है आपको ये जानना चाहिए कि आखिरकार राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे थे 2004 शाइनिंग इंडिया, तो फिर क्या हुआ था 2004 में। ये बड़ी वॉल पर हमने तैयारी की आपको बताने की कि आखिरकार राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे थे वो हुआ क्या था 2004 में। वाजपेयी पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने जिन्होंने अपना 5 साल वाला कार्यकाल पूरा किया था। ये बड़ी उपलब्धि, एक तरीके से इतिहास रचा था अटल बिहारी वाजपेयी ने। अच्छा, 2003 के आखिर में बीजेपी जो है वो 3 राज्यों में चुनाव विधानसभा वाले भी जीत गई थी। मतलब पूरी तरीके से बीजेपी का जो टेम्पो है, जो जोश है, वो हाई था। आत्मविश्वास से लबरेज वाजपेयी वक्त से पहले चुनाव में चले गए। बीजेपी आश्वस्त थी कि लोकसभा चुनाव वो जीत जाएगी। अक्टूबर में होने थे चुनाव, लेकिन बीजेपी ने चुनाव पहले करवा लिया। अक्टूबर से पहले मई में चुनाव करवाए गए। बीजेपी की तरफ से शाइनिंग इंडिया, भारत उदय का नारा दिया गया। चुनाव में जोर शोर से शाइनिंग इंडिया का प्रचार किया गया, लेकिन जब नतीजे आए तो नतीजों ने सबको चौंका दिया, क्योंकि चुनाव नतीजे उम्मीदों से बिल्कुल उलट बीजेपी के लिए आए। हालत यह हो गई बीजेपी की कि उसकी सीटें 182 से घटकर 138 पर रह गई, और बीजेपी सत्ताधारी गठबंधन के लिए धुरी की भूमिका नहीं निभा पाई। यहां तक कि वोट शेयर बीजेपी का घट गया। बीजेपी का वोट शेयर 24% से घटकर 22% पर आ गया था। 7 सीटें ज्यादा तब 2004 के चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस वाले गठबंधन ने जीत कर सरकार बना ली थी। मतलब कांग्रेस पार्टी ने 7 सीटें ज्यादा जीती थी बीजेपी के मुकाबले, और उसके बाद कांग्रेस जो है वो सत्ताधारी गठबंधन के लिए धुरी बन गई थी। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपने फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।